देवियों सज्जनों, मेरा नाम है शशांक। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो जी, आज हम ट्रेवल करने वाले हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 15074, 15074। और ये ट्रेन उत्तराखंड के टनकपुर को कनेक्ट करती है एमपी के सिंगरौली से, और इस ट्रेन को हम बोर्ड करने वाले हैं बरेली जंक्शन से, जहाँ पर इस ट्रेन के पहुँचने का टाइम है 11:25। तब से करीब 5 से 7 मिनट हमारी ट्रेन होने वाली है बरेली जंक्शन पर अराइव। इस समय मैं बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर के साइड, और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना भाई, सच में अब होने लगा गर्मी का एहसास। आगे चलिए जी, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, लेते हैं ट्रेन का अराइवल और शुरू करते हैं इस धमाकेदार जर्नी। तो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ये जितना आप ये रश देख रहे हैं ना, ये सारा भाई अपना त्रिवेणी एक्सप्रेस का रश है। बाकी ट्रेन का नंबर और कोच नंबर डिस्प्ले पर शो होने लगा है। बाकी हमारा जो कोच है ना, वो आज आने वाला है पीछे के साइड, और ट्रेन लगभग ऑन टाइम ही अराइव कर रही है। अनाउंसमेंट भी आप सुन ही सकते हैं। बाकी पहले चलकर भाई एक पानी की बोतल ले लेते हैं यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो WAP-4 के साथ हमारी ट्रेन अराइव हुई है संतरागछी के WAP-4 त्रिवेणी एक्सप्रेस कनकपुर शक्तिनगर कनकपुर सिंगरौली। ये ट्रेन वीक में कुछ दिन आपके कनकपुर से शक्तिनगर जाती है, और कुछ दिन जाती है कनकपुर से सिंगरौली। तो ये है भाई इस ट्रेन के स्लीपर कोच। अभी करीब 3-4 महीने पहले इस ट्रेन को इसके ब्रांड न्यू LHB रेक अलॉट हुए थे, तब तो हम जर्नी कर नहीं पाए थे। तो सोचा क्यों ना आज ही आपको इस ट्रेन का जर्नी करके दिखाया जाए, क्योंकि भाई बरेली से प्रयागराज के बीच बहुत डिमांड रहती है इस ट्रेन की। साथ इसमें आपको स्लीपर कोच देखने को मिल जाएंगे 4 जनरल कोच। इसके बाद शुरू हो जाते हैं अपना ये सेकेंड AC 2, इसमें आपको सेकेंड AC का कोच, और लगभग 7 3rd AC इकोनॉमी। हमारी यात्रा होने वाली है 3rd AC इकोनॉमी में, कोच है M2। ये भाई आज का अपना कोच, और करंट में बुकिंग की थी भाई। ये कोच है ना लगभग बिल्कुल पूरा खाली ही पड़ा है। आराम से करते हैं ट्रेन को बोर्ड। 5 मिनट का यहाँ पर होल्ड होने वाला है, तो भाई जल्दबाजी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए भाई किस तरह से भगदड़ मच गई है भाई यहाँ पर, ये देखिए। तो जी, हमारा डिपार्चर हो चुका है बरेली जंक्शन से। 5 मिनट के लिए ट्रेन को यहाँ पर रोका गया था, और ये है वही बरेली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। सामने ही आपको मिल जाएगा IRCTC का वेटिंग रूम। इसका चार्ज है 30 रुपये 1 घंटे का, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी बार आकर रुका हूँ, लेट नाइट ट्रेन बोर्ड करनी होती थी ना तब। जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं। अब आपके साथ ट्रेन नंबर 15074 का रूट शेड्यूल एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये ट्रेन वीक में 3 दिन मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को टनकपुर से सिंगरौली के बीच चलती है। टनकपुर से डिपार्ट करती है 8:35 पे, और नेक्स्ट डे आपको सुबह लगभग 7:35 पहुँचा देती है सिंगरौली। डिस्टेंस कवर करेंगे लगभग 850 किलोमीटर का, और इस दौरान वही इस ट्रेन के 38 हॉल्ट होने वाले हैं। एवरेज स्पीड इस ट्रेन की मात्र 38 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम जाती है 110। अब किस सेक्शन पे 110 इसको मिलेगा वो तो पता नहीं, क्योंकि बरेली से लखनऊ तक तो 100 से ऊपर जानी नहीं है। लखनऊ से प्रयागराज भी 100, शायद प्रयागराज से 54 तक आप इसको 110 पे दौड़ते हुए देखेंगे। यहाँ धूप और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। बाकी ये कुछ अपने कोच की कंडीशन है। CCTV कैमरा मिल जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर गेट के जो भी काम करता है या नहीं करता इसका तो भाई पता नहीं। बाकी सामने आपको मिरर मिल जाएगा, नीट एंड क्लीन एंड बेसिन वगैरह दिया हुआ है। पानी भाई यहाँ से आप जब प्रेस करेंगे तब यहाँ से आप पानी आएगा। ये आपका हैंडीकैप वॉशरूम, वॉशरूम की कंडीशन तो काफ़ी बढ़िया है। और इधर से हमारी कोई गुड्स ट्रेन क्रॉस कर रही है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट भाई ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी आप कुछ खाएं पिएं या कचरा अगर आपसे हो रहा है ना ट्रेन में, तो उसको यार प्लीज़ डस्टबिन में आकर डालें, कोच में गंदगी ना करें, तो कोच साफ़ सुथरा रहेगा तो ये जर्नी करने में भी मज़ा आएगा। हम लोगों ने कुछ देर पहले क्रॉस किया था बरेली कैंट रेलवे स्टेशन, और ये देख लीजिए भाई बाहर के नज़ारे। इस समय नज़ारे तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना कि गेट पर खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। और ये अपना कोच अटेंडेंट भाई है, कैसे हो भाई? क्या नाम है? कमल किशोर। इसी ट्रेन में रहते हो आप? तो जब भी आप त्रिवेणी में ट्रैवल करेंगे भाई मिलेंगे आपको। बाकी भाई ने बेडरोल ला के दे दिया, चलिए बेडिंग कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, वो क्यों वो मैं बताता हूँ आपको बेडिंग करने के बाद। तो जी, बेडिंग अपनी हो चुकी है। बाकी ये निकला हमारा वेस्ट कचरा, इसको हम सीट के नीचे भी नहीं डालेंगे ना यहाँ डालेंगे, इसको लेकर आएंगे। इसकी जगह
ताकि कोच में भी गंदगी ज़्यादा ना हो। तो जी अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन को, काफ़ी बढ़िया स्किप मार रहे हैं भाई। ट्रेन नॉन स्टॉप 90 km/h पर स्किप की है पीताम्बरपुर को। तो अभी हम लोग कुछ देर में स्किप करने वाले हैं तिलहर रेलवे स्टेशन को, जो मेरा होम टाउन है, यानी कि बर्थ प्लेस है। बाकी भाई हमने सीट एक्सचेंज की थी अपनी 15 नंबर से 55 नंबर, तो अभी टीटी सर आए थे भाई चेक करने। हमने उन्होंने बताया तो बोले यार इस सीट पर शाहजहाँपुर से कोई पैसेंजर आने वाला है। अब पड़ गए भाई चक्कर में कि फिर से अपनी सीट पर ही वापस जाएँ, या जो शाहजहाँपुर से जो पैसेंजर बोर्ड करे उनको रिक्वेस्ट करके कह दें कि सर आप प्लीज़ हमारी सीट पर चले जाइए, या फिर वो सीट खाली करके किसी और सीट पर चले जाए, क्योंकि सीट्स तो भाई काफ़ी खाली हैं इस कोच में भी, आगे वाले कोचों में भी। देखते हैं क्या करते हैं। बाकी ट्रेन भाई काफ़ी स्लो चल रही है और ट्रेन बिल्कुल खाली है ना। इस ट्रेन में आपको पेंट्री की सर्विस भी नहीं मिलने वाली है, तो खाना पीना भाई अपने साथ में ही लेकर आएँ, पानी वगैरह भी साथ में ही कैरी करें। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको कुछ मिलेगा इस ट्रेन में। और जी कोई भी अगर भाई अपना तिलहर से ये ब्लॉग देख रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अब हम तो वहीं आ के रहने वाले, आते जाते रहते हैं अपने घर पर, लेकिन यार अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है जब अपने होम टाउन को इस तरह से स्किप मारो या कुछ भी करो। मन तो कर रहा है कि यार यहीं उतर जाते हैं, लेकिन भाई काम भी ज़रूरी है ना। अब काम से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, अब जिस चीज़ के लिए निकले उसको तो पूरा करना ही है। बाकी ऐसा कुछ है भाई अपने होम टाउन का रेलवे स्टेशन। ट्रेन वैसे यहाँ पर काफ़ी होल्ड करती हैं, मोस्टली आपको दिल्ली हावड़ा के लिए ट्रेन यहाँ से मिल जाएंगी। तो जी काफ़ी स्लो हम लोगों ने तिलहर रेलवे स्टेशन को किया है इसके। लगभग 35 मिनट की देरी के साथ हम आ चुके हैं इस ट्रेन के हॉल्ट नंबर 7 शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर होने वाला हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट। और शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो अपने ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 103 ट्रेन यहाँ पर डेली हॉल्ट करती है, 6 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, 6 ट्रेन होती है यहाँ से टर्मिनेट। नॉर्दर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीजन में आता है हमारा शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। बाकी शाहजहाँपुर को भाई शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। इस शहर ने हमारे देश को आज़ाद कराने में कई फ्रीडम फाइटर दिए हैं जिनका बहुत अहम योगदान रहा था, जिसमें अशफाक उल्ला खान जी, रोशन सिंह जी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। बाकी जब आप शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन के मेन गेट से एंट्री करेंगे तो मेन गेट पर ही कुछ फ्रीडम फाइटर्स के आपको वहाँ पर स्टैचू भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ का हनुमत धाम मंदिर में जो हमारे बजरंगबली जी की प्रतिमा है ना, वो भाई करीब 103 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो शायद देश की सबसे लंबी प्रतिमा भी। तो शाहजहाँपुर में हमारा 2 मिनट का हॉल्ट और यहाँ से हो चुका है शाहजहाँपुर से हमारा डिपार्चर। बाकी शाहजहाँपुर से आपको एक लाइन निकल जाता है यहाँ से बीसलपुर होते हुए पीलीभीत के लिए, वो पहले मीटर गेज हुआ करता था लेकिन अब वो भाई ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। और रश तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी मिल जाएगा, अच्छा खासा रश है यार शाहजहाँपुर में भी। ये
हम अपनी सीट से दूसरी सीट पे थे, 55 नंबर है, तो भाई वहाँ के जो पैसेंजर आए ना यार, मतलब लोगों को भाई एक दो मिनट का भी सब्र नहीं है भाई, आए तुरंत तुरंत हमारा भाई सामान उठा के दूसरी जगह फेंक दिया। हमने तो आके कह दिया अंकल कुछ देर तो आपको वेट कर लेना चाहिए था, ऐसे आप सामान क्यों हटा रहे। बोले हमारी सीट है, मैंने आपकी सीट है, आप ही जाओगे इस पर, लेकिन कम से कम थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, पैसेंजर आ रहा है, किसी का सामान रखा है तो ट्रेन में ही होगा। भाई सही में इतना मूड ख़राब हो रहा है ना सुनने के बाद, मतलब। और हमने कहा हमारी भी 15 नंबर सीट है, चाहे तो आप वहाँ चले जाओ, मेरा यहाँ बेड वगैरह लगा हुआ है। बोले नहीं हमको तो अपनी सीट पर ही बैठना है। ये हाल है भाई, मतलब क्या ही कहा जाए, कभी कभी तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना, ऐसे ऐसे पैसेंजर मिल जाते हैं, समझ में नहीं आता। तभी भाई हमारा तो इसीलिए मन ही नहीं करता किसी के साथ सीट एक्सचेंज करने का। भाई धूप हो रही है, अभी सोचा था आपके लिए कुछ शॉर्ट्स ले लिए जाएं गेट पर खड़े हो, क्योंकि अब ये जो सेक्शन है ना ये 110 kmph हो गया है हरदोई से लेकर लखनऊ तक का, हमको आज ही पता चला। तो सोचा बाहर निकल के इस रूट पर, भाई फास्टेस्ट रूट हो गया है अभी ये, तो कुछ शॉर्ट्स लिए जाएं बढ़िया आपको। लेकिन भाई इतनी तेज़ धूप है, मुश्किल से हम 10 सेकेंड गेट पर खड़े हुए होंगे भाई, हालत ख़राब हो गई है यार। मतलब इस बार तो लग रहा है गर्मियाँ तो बिल्कुल भाई कांड करने वाली हैं, बहुत तेज़ गर्मी धूप है भाई। बाकी ट्रेन देखिए क्या जबरदस्त चल रही है। चलिए इस गेट से आपके लिए कुछ शॉट लेते हैं फ्लैट 110 पे, क्योंकि इधर से ऐसा है ना अंधेरा छाई पड़ रही है, और अभी भाई खतरनाक लू चल रही है, अब बहुत गर्म हवा भी लग रही है। कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। ट्रेन अभी हमारी आउटर पे है, लगभग प्लेटफॉर्म पे अराइव करने वाली। अब तो हमारा जो कोच है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे है, बाकी ये अपना यार्ड एरिया छपरा लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी हुई है भाई, इसमें भी जर्नी की है यार, इसका तो बहुत बुरा हाल रहता है इस ट्रेन का। और जी देख लीजिए भाई झांसी शेड के WAG 7 लोकोमोटिव, और यहाँ पर आपको WAP 7 लाल गुड़ा शेड के। बाकी ये बताइए WAP 7 में सबसे बढ़िया लोको आपको कौन सी शेड का लगता है, जिसकी हॉन्किंग मतलब बड़ी शानदार रहती है। और लखनऊ आउटर पे हमारी क्रॉसिंग हुई है हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल के साथ। बाकी भाई लखनऊ रेलवे स्टेशन में देख लीजिए ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है ट्रैक को, क्योंकि ये अपना प्लेटफॉर्म इसको और बड़ा किया जाएगा, काफ़ी छोटा पड़ रहा था ना, तो ये पुराना ट्रैक है ना इसको सारा हटाएंगे, फिर ये देखिए ये प्लेटफॉर्म बढ़ाने का भी काम चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज अराइवल हुआ है हमारी ट्रेन का लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। ऑन टाइम से 5 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं नवाब के शहर लखनऊ चारबाग जंक्शन। बाकी यहीं पे मैंने इस ट्रेन को डिवर्ट कर दिया है, क्योंकि बरेली से लखनऊ तक की मुझे ये जर्नी करनी थी। क्यों आए हैं वो तो आपको पता चल ही गया, आए हैं भाई CSK बस से लखनऊ सुपर जायंट्स का IPL का मैच देखने, थाला को लाइव खेलते हुए देखना, एक तरह से ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट भी हो जाएगा भाई।
एमएस धोनी को लाइव खेलते हुए देखने का। बाकी कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेल्थ ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, फीवर भी हो रहा है, इस वजह से इतना डिटेल में तो मैं जर्नी शूट नहीं कर पाया, लेकिन जितना हो सकता था उतना शूट करके आपको दिखाया। और इस ट्रेन में आपको टिकट ना भाई इजीली मिल जाएगी बरेली से लखनऊ प्रयागराज तक अगर आप जर्नी कर रहे हो तो। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ।